प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। चीता प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारी दिल्ली तलब किए गए हैं, तो चीता एक्सपर्ट और वन विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। कूनो में 17 सितंबर को पीएम मोदी ने 8 चीते छोड़े थे, 12 और चीते भी कूनो लाए गए थे। तो अब तक 8 चीतों की मौत हुई है, 3 चीतों में संक्रमण पाया गया है। तो कल सीएम शिवराज ने एक रिव्यू मीटिंग की थी, उसके बाद से अब पीएम मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई। तो सीएम शिवराज ने चीतों की निगरानी के लिए सख्त निर्देश दिए थे। प्रोजेक्ट चीता से जुड़े सभी अधिकारियों को अब दिल्ली तलब किया गया है। चीता एक्सपर्ट और वन विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार चीतों की मौत हो रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सख्त लहजे में नजर आए हैं और एक बड़ी बैठक बुलाई है, क्या किस तरह से अब लग रहा है इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हो सकती है? क्या ये कयास लगाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश से चीतों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, क्या इस बात पर भी चर्चा होगी? देखिए, चीते के गर्दन में जो लगाया गया था उसके बाद हमने देखा कि उसके का इन्फेक्शन हुआ कॉलर आईडी, और इन्फेक्शन के बाद धीरे धीरे कर तमाम सारे चीतों से ऐसी खबरें आ रही। पहले हमने दो तेजस और सूरज की मौत की जो सवाल उठे तो उसमें जांच में यही सामने आया कि उनकी गर्दन में इन्फेक्शन था। उसके बाद अब जो खबरें आ रही है उसमें सौर्य, पवन और गौरव के संक्रमण की बात सामने आ रही है, जिनको टंकलाइज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का मसला था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था, वो खुद यहाँ पहुंचे थे, इसलिए केंद्र भी इस पर नजर बनाए हुए। लेकिन नजर बनाने के बावजूद यदि ये सब हुआ है तो कहीं लापरवाही तो हुई है, क्योंकि चीते की जो गर्दन है उसकी जो खाल है वो पतली होती है, जो जांच में अभी आया भी है सामने। और आज एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने ही बुलाई है जिसमें पूरे तमाम तरह की बातों पर चर्चा होने वाली है और कुछ सख्त लहजे में कुछ सख्त निर्देश भी देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग राज्यों के 5 जो प्राणी विशेषज्ञ है, वन के जानकार हैं, उनको शामिल किया गया इस कमेटी में। उसके अलावा जो अन्य अधिकारी है कूनो से जुड़े वो भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं, वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में रहने वाले। तो आज ये मानकर चलिएगा कि जो कूनो को चीते की एक उम्मीद लाकर बैठे हैं मध्य प्रदेश के लोग या देश के लोग कि फिर से एक बार चीते दिखाई देंगे, उस पर अभी बादल जरूर बन गया है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट को और कैसे बेहतर किया जाए तो आज इस पर बैठक होना। कल भी मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए थे, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाया गया, तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। दिनेश, चलिए शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो चीता एक्सपर्ट और वन विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चीतों को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। प्रोजेक्ट चीता